हेलो फ्रेंड्स, किसी भी कारण से अगर आपकी कार की बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो उसको कैसे स्टार्ट करें। फ्रेंड्स, अगर आपके कार की बैटरी अगर 8 वोल्ट से लेकर के 10 वोल्ट तक चार्ज है तो इसके मतलब आप किसी से धक्का लगवा कर और गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं, गाड़ी आपकी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा, अगर आप गाड़ी की सेल्फ लगाते हैं और टिक 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 की आवाज़ आ रही है तो उस समय भी आप कार को धक्का लगवाएंगे तो आपके कार जो है स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके कार की बैटरी अगर 10 वोल्ट से कम चार्ज है या मीटर में कोई लाइट शो नहीं हो रहा है तो इस सिचुएशन में आपके कार की जो बैटरी है वो डिस्चार्ज हो गई है और कितना भी धक्का लगाएंगे तो गाड़ी को स्टार्ट नहीं होगा, तो ये बात को ध्यान रखें। और अगर आपके कार में कोई भी लाइट नहीं आ रही है, यानी कि बिल्कुल लाइट भी नहीं आ रही, ना हॉर्न बज रहा है और पूरी बैटरी जो है डेड हो चुकी है, तो उस सिचुएशन में आप या तो किसी कार से जंप वायर्स के थ्रू अपने कार को स्टार्ट कर सकते हैं या किसी भी कार की बैटरी को खोल लेना है और अगर जंप वायर नहीं है या कोई टूल नहीं है तो उसको बैटरी के ऊपर जंप करके स्टार्ट कर सकते हैं। और चौथा, अगर आपके कार में कोई बैटरी नहीं मिल रहा है तो उस सिचुएशन में कार की बैटरी को निकालना है और चार्जिंग पॉइंट पे इसको चार्ज करवा लेना है, चार्जिंग स्टेशन पे जहाँ भी हो या अपने घर पे चार्ज करके, और दोबारा से बैटरी लगा करके गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं।